के सेट पर लगी जानवी के फैंस की भीड़। कौन सी फिल्म का हिस्सा होने वाली हैं जानवी कपूर? क्यों किया गया जानवी के आने वाली फिल्म के को स्टार को धर्मा प्रोडक्शन से बैन? नमस्कार, बॉलीवुड स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गुड लक जेरी मूवी से रिलेटेड कुछ दिलचस्प बातें। गुड लक जेरी मूवी, जो कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की कोला मावु कोकिला फिल्म का रीमेक होने वाली है, वहीं इस साल जानवी कई और फिल्मों में भी जल्द नजर आने वाली है। जी हां, डायरेक्टर संजय त्रिपाठी की आने वाली फिल्म बॉम्बे गर्ल में जानवी कपूर हमें जल्द देखने को मिलेंगी। और आपको बता दें, ये फिल्म 3 अक्टूबर 2021 को हमें देखने को मिल सकती है। बात वही फिल्म की स्टोरी की करें तो आने वाली फिल्म बॉम्बे गर्ल की एक रिबेलियस टीनेज लड़की की कहानी के इर्द गिर्द घूमती मिलेगी। और वहीं दूसरी तरफ इस साल जानवी कपूर करण जौहर की दो दो फिल्मों का हिस्सा होने वाली है। जी हाँ, 19 अक्टूबर 2021 को रिलीज होने वाली फिल्म रणभूमि, जिसे प्रोड्यूस कर रहे हैं करण जौहर। इस फिल्म की बात करें तो आने वाली ये फिल्म, जहाँ इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये फिल्म जबरदस्त फाइट या ओल्ड एरा का कुछ थीम दिखाने वाली है, तो जी हाँ, ये फिल्म एक वॉर ड्रामा बेस्ड फिल्म होने वाली है। इसी के अलावा जानवी कपूर जौहर की डायरेक्शन में बन रही फिल्म तख्त का हिस्सा रहेंगी। और वहीं दूसरी और अपकमिंग सीक्वल फिल्म दोस्ताना 2 का हिस्सा भी रहेंगी जानवी कपूर। जहां पहले इस फिल्म में जानवी संग कार्तिक आर्यन नजर आने वाले थे, पर किसी मन मुटाव के चलते इस फिल्म से कार्तिक को हटा दिया गया है। वहीं जानवी कपूर अपनी आने वाली फिल्म गुड लक जेरी की शूटिंग के दौरान मिली अपने फैंस से। जहां जानवी के सोशल फैंस इतने हैं, वहीं सोशल मीडिया के बाहर भी शूटिंग के दौरान पंजाब में कई फैंस से मिली जानवी। अब इतना प्यार जानवी के लिए देख के उनके फैंस का, तो लगता है कि आने वाली फिल्म को भी कोई कम प्यार नहीं मिलने वाला है। तो देखते हैं इस साल जानवी की कौन सी फिल्म बनती है उनके करियर का जबरदस्त हिट। तब तक के लिए हमें कमेंट करके बताएं कि आपको जानवी को दोस्ताना 2 में किसके साथ देखना ज्यादा पसंद करेंगे। और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहें बॉलीवुड स्टूडियो।